साइकोलॉजी कहती है कि जब आप परेशान हो तो आप जिससे प्यार करते हैं उसे गले से लगाएं, इससे आपके मस्तिष्क का तनाव दूर हो जाता है। दरअसल इसके पीछे एक बायोलॉजिकल कारण भी है। साइकोलॉजी मानता है कि जब आप अपने पार्टनर को गले लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है जो आपके तनाव को दूर करने में मदद करता है। लड़की हमेशा जिस लड़के से प्यार करती है उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए उत्सुक होती है, जबकि लड़कों में ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लड़के जिस लड़की से प्यार करते हैं उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों दोस्तों से मिलवाने के लिए जल्दी उत्सुक नहीं होते। साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया में लगभग 38% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन में जीवन साथी नहीं मिल पाएगा और वह किसी भी जीवन साथी के साथ खुश भी नहीं रह सकते। आप जिससे प्यार करते हैं जब आप उसके सामने जल्दी भावुक होते हैं, फिर चाहे आप खुश हो या दुखी। प्यार करने वाले लोगों में ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। साइकोलॉजी का मानना है कि जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आपके शरीर में हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको जल्दी से ईर्ष्या होने लगती है। किसी भी रिश्ते में रोमांस 1 साल से अधिक समय का नहीं होता। साइकोलॉजी करती है कि मस्तिष्क रिश्ता बनने के बाद ज्यादा समय तक इस अवस्था में नहीं रह पाता। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि प्रेमी प्रेमिका के जिन जोड़ों में अपने रिश्ते को लोगों के सामने लाने की हिम्मत होती है उनमें एक दूसरे से रिश्ता निभाने के लिए मजबूत सोच और गहरी भावनाएं होती हैं। साइकोलॉजिस्ट का यह मानना है कि लड़कियां अक्सर अपने से लंबे लड़कों को पसंद करती हैं और वह ज्यादातर उन लड़कों पर ध्यान देती हैं जिनकी सोच में महत्वाकांक्षा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग अपने प्यार को लोगों के सामने प्रकट करने से डरते हैं, उनमें प्यार और रिश्ते को निभाने की मजबूत भावनाएं नहीं होती और ऐसे लोगों का प्यार जल्दी ही टूट जाता है।